12वें आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई में सोमवार को क्रिकेट के महासमर के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुन लिया गया। अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने टीम की घोषणा की। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन खिलाड़ियों के नाम जारी किए जिन्हें वर्ल्ड कप का टिकट मिला है। टीम में ऋषभ पंत को जगह नहीं दी गई है, दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया है। विश्व कप टीम की घोषणा करने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल है, लेकिन बीसीसीआई ने 8 दिन पहले ही टीम का ऐलान कर दिया। विश्व कप 2019 इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई तक खेला जाएगा। ऋषभ पंत को क्यों नहीं मिला मौका? युवा विजय शंकर, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा भारत की 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वनडे क्रिकेट में धोनी के वारिस माने जा रहे पंत का नहीं चुना जाना हैरानी का सबब रहा। 21 साल के पंत आईपीएल 12 में अब तक 245 रन बना चुके हैं, जबकि कार्तिक ने 111 रन बनाए हैं। 33 साल के कार्तिक ने अब तक 91 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जबकि पंत ने 5 ही वनडे में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि ऋषभ पंत भारतीय टीम में क्यों नहीं है। क्या कहा एमएसके प्रसाद ने? सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि दिनेश कार्तिक की बेहतर विकेट कीपिंग के कारण ऋषभ पंत टीम में जगह नहीं बना सके। विकेट कीपिंग भी मायने रखती है, यही कारण है कि हमने कार्तिक को चुना, वरना पंत भी टीम में होते। एमएसके प्रसाद ने आगे कहा कि जब टीम में महेंद्र सिंह धोनी नहीं होंगे तब मुश्किल समय में टीम को संभालने के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी चाहिए जो शांत रहकर मैच को संभाल सके। कार्तिक को एक अनुभवी बल्लेबाज माना जाता है और जो विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में शांत रहने में सक्षम है। प्रसाद ने कहा कि हमने इस पर काफी लंबी चर्चा की, हम सभी एक मत पर सहमत हुए कि पंत या कार्तिक अंतिम 11 में तभी खेलेंगे जब धोनी नहीं होंगे। ऐसे में अगर आप कोई अहम मैच लें, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तो वहाँ अनुभव और विकेट कीपिंग मायने रखेगी। आपको बता दें कि नंबर 4 को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति थी। इस रेस में कुछ दिनों पहले तक अंबाती रायडू का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था, लेकिन हालिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रायडू ने चयनकर्ताओं को निराश किया। साथ ही शंकर आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नंबर 3 और नंबर 4 पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं। ऐसे में 5 सदस्यीय चयन समिति ने शंकर को चुना। शंकर को चुनने का एक और कारण उनका तेज गेंदबाजी है जो इंग्लैंड में टीम के काम आ सकती है। शंकर के चयन को लेकर प्रसाद ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने मध्य क्रम में कई खिलाड़ियों को मौके दिए, दिनेश कार्तिक को, मनीष पांडे को भी, अंबाती रायडू को भी, लेकिन विजय शंकर के साथ ये है कि वो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी कर सकते हैं। अगर इंग्लैंड की परिस्थितियां पक्ष में रहती है तो वो अहम किरदार निभा सकते हैं, वो अच्छे गेंदबाज हैं। हमने उन्हें नंबर 4 को ध्यान में रखकर ही चुना है, लेकिन टीम में दिनेश कार्तिक और केदार जाधव भी हैं। अब हमारे पास नंबर 4 के कई विकल्प हैं। शंकर के टीम में आने से चौथे गेंदबाज की कमी पूरी की जा सकती है और इसी कारण वो रायडू को पछाड़ गए। शंकर के अलावा टीम में एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हैं जो तेज गेंदबाजी कर सकते हैं। इन्हीं दो के कारण चयनकर्ताओं ने चौथे गेंदबाज को नहीं चुना। प्रसाद ने कहा कि 3 प्रमुख तेज गेंदबाजों के अलावा हमारे पास टीम में हार्दिक भी हैं जो तेज गेंदबाजी करते हैं, फिर शंकर भी हैं, वहीं 2 स्पिनरों के अलावा केदार जाधव भी स्पिन कर लेते हैं, तो हमारे पास 7 गेंदबाज हो जाते हैं। मैं आश्वस्त हूं कि ये हमारे पास मौजूद सबसे संतुलित टीम है। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम में तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को जगह मिली, वहीं चौथे तेज गेंदबाज का चयन नहीं किया गया है। इसकी जगह रविंद्र जडेजा के रूप में तीसरा स्पिनर टीम में शामिल किया गया है। टीम में हालांकि चौथे तेज गेंदबाज को लेकर खलील अहमद और नवदीप सैनी पर भी चर्चा की गई थी। 12वें आईसीसी वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, विजय शंकर और रविंद्र जडेजा हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।